शहीदों और देश की रक्षा के लिए जान गंवाने वाले जवानों के सम्मान में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आम जन से सेना के वेलफेयर में आर्थिक सहयोग करने की अपील की। देखिए खास रिपोर्ट। देश के सम्मान की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से लड़ाई लड़ने वाले जवानों को सम्मानित करने के लिए हर साल 7 सितंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को संचालक सैनिक कल्याण बोर्ड के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सहगल ने झंडा लगाकर सम्मानित किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने आम जन से सेना के वेलफेयर में सहयोग करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि ये पैसा हमारे शहीदों के परिवारों को जाता है। झंडा दिवस जिसके नाम से अपन सशस्त्र सेना का हमारे का झंडा दिवस के रूप में है, देश की सेवा में सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाली शुभकामनाओं के साथ में मैं प्रदेश की जनता से अपील भी करूँगा, जो सहयोग वो कर सकते हो वो करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है हमारी शहीदों के परिवार जो है उन परिवार के लोगों के वेलफेयर में जाता है, उनके कल्याण में जाता है। तो आओ आज इस झंडा दिवस पर हम इन सबका सहयोग भी करें और इस पुनीत काम में आगे बढ़कर हिस्सा भी लें। दरअसल भारतीय सेना की तरफ से गणमान्य से लेकर आम लोगों को भारतीय सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को लगाकर उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने बहादुर जवानों के कल्याण के लिए कुछ आर्थिक सहयोग करें। इस झंडे में शामिल लाल, गहरा नीला और हल्के नीले रंग की पट्टियां तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करती हैं। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।